बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जी व्लॉग करते हैं शुरू। हमने जी गंदम कटानी थी तो बादल बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो मशीन वालों को कहा था तो ये मशीन खड़ी है ये डेरे के ऊपर ये सामने, तो इस तरफ से जी बादल भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं। ये जी कटा रही है, ये जी कितने ज़्यादा बादल आ गए हैं। और जी उसके बाद जी हमने इधर लगानी थी खेतों में बतौन लगाने थे और टींडे और भी चीज़ें लगानी थी, तो अब तो जगह को पद्धर करना है क्योंकि बारिश डाल गई तो फिर पद्धर नहीं होगा लेवल, तो इस वजह से मैंने कहा बारिश से पहले पहले चक्कर लगाते हैं और साथ में रोप बनाते हैं। ये बादल इधर से नज़र आ रहे हैं सही, उसके बाद ये रिश्क बहुत ज़्यादा आ रही है। हम तो ये देखें जी माशाल्लाह पकी हुई है, तो बारिश नहीं जान छोड़ी, तो ये बारिश आज पड़ गई तो फिर चार पाँच दिन बाद कटाई होगी। लहसुन वाली जगह पे और हमने सब्जियां वगैरह लगानी है तो उसको पद्धर करना है। और जी ये भिंडियाँ देखते हैं लगी हैं यानी सबसे पहले जी, ये जी माशाल्लाह जी ये जी लगी हुई है माशाल्लाह जी। और जी और फूल लग रहा है ये जी। और जी ये किधर से लहसुन उतारा था ये जगह, इसको जी पद्धर करना है। वो जी ये केलों का गुच्छा है कोई, मेरे ख्याल से नेरी के साथ ही उतर गया, ये देखें हवा के साथ ये जी। वो जी बारिश आ गई है तो अब हम सबसे पहले जी ये जगह को पद्धर कर लें थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बारिश से पहले पहले कर लें तो फ्री होगा सही। ये जी हमने इसको लेवल इसके अंदर लगाएंगे जी हम टींडे इस जगह, तो इसमें लगाएंगे बैंगन वगैरह, तो उसमें सोचेंगे क्या लगाना है। अब हम भिंडियों को भी देंगे गोडी, ये जी इसके अंदर गंद बहुत ज़्यादा है, ये इसको गोडी देंगे क्योंकि बारिश से पहले पहले दे रहे हैं गोडी इसको। ये जी छापड़ भी हमारा उतर गया साइडों से, ये जी हवा के साथ आंधी के साथ, ये जी अब बारिश आने वाली है तो उससे पहले पहले जी हम गोडी दे लें। ये बारिश आ गई है तो गोडी हमने रहने दी है क्योंकि ज़्यादा बारिश ना आ गई इस वजह, अब जाने लगे हैं तो सुबह फिर गोदी दे लेंगे और साथ ही और चीज़ें लगा लेंगे। चल रही है ये साथ बैठे हैं छापर के नीचे, सर्दी लग रही है ज़्यादा, ये भी ऊपर छापर लेकर बैठा है चले बहुत ज़्यादा डर। ये देखें जी पैसे कैसे भाग रही हैं, बादल और हवा बहुत ज़्यादा चल रही है ठंडी इस वजह से, और आंधी भी आ जाती है इस वजह से, ये देखें स्पीड पे जा रही है ये जी भाग रही है जी। इन लोगों ने रेड़ा गोदी बनाई है और साइड में पीछे रेड़ी लगाई है, तो नज़र नहीं सही आ रहा जी, ये देखें जी रेड़ी के
बारिश हो गई, बारिश हो गई हो रही है। और जी अब हम जी आए हैं खेतों के अंदर चक्कर लगाने, ये बारिश के साथ देखें जी कितना पानी इसके अंदर खड़ा है। अब हफ्ता लग जाएगा, तो हफ्ता तो नहीं, मैं तकरीबन कोई 3-4 दिन बाद काटने वाली हो जाएगी। तो अब जी हम ये लेके आए हैं ये कद्दू और टींडे लगाएंगे इधर खेतों में। तो कौन सी जगह, कल पद्धर करके गए थे इसको, उधर अब हम लगाएंगे। ये जगह पद्धर करके गए थे, इधर अब हम लगाएंगे टींडे और कद्दू, कद्दू शरीफ इसके अंदर उगाए थे। जी सबसे पहले जी इसकी जगह बनाएंगे ऐसे थोड़ी थोड़ी जगह पे। सारे जी जगह पे काट दी गई सरा बना दी है, तो अब इसके अंदर से जाली के अंदर से निकाल लेंगे ऐसे इसे खींच के। ऐसे को देखिए कितना प्यारा उगा हुआ है, जड़ियाँ इसकी जी इसके अंदर ये जी ये पौधा, इसको जी ऐसे लगा देना थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल के नीचे करके जी ऐसे लगाएंगे बैंगन इस जगह पे। दोनों का बीज है बैंगनों का, ये आप ये जगह पे लगाएंगे। सारे जी जगह बना दी है, अब ये जी भी दस करके ये जगह ऐसे जी नीचे लगा रहे नहीं ये जी हो गया। जी ये भी बढ़ रही है जगह टीन वाली भी, और जी उसके बाद किधर खत्म हो जाएगा। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक करें सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।